नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रेट भर्ती परीक्षा को लेकर आई बड़ी खबर। रेट की एग्ज़ाम डेट को काफ़ी समय से तो विवाद चल रहा है, यानी कि 25 अप्रैल को होने वाली रेट भर्ती परीक्षा पर तो बड़ी संख्या के अंदर विरोध चल रहा है, क्योंकि रेट 25 अप्रैल को जैन धर्म का तो बहुत ही बड़े त्योहार के कारण रेट भर्ती को स्थगित तो करने की मांग उछल रही है। तो इसी को देखते बड़ी संख्या के अंदर तो विरोध तो हो रहा है, और इसी को देखते हुए रेट भर्ती पर अब संकट तो मंडरा रहा है, यानी कि रेट भर्ती को अब हाईकोर्ट के अंदर वो जाने के सिवा तो और कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, यानी कि रेट भर्ती परीक्षा अब आपके हाईकोर्ट में जा सकती है और हाईकोर्ट इस भर्ती परीक्षा पर अब रोक लगा सकता है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी तो खबर आ रही है कि रेट भर्ती परीक्षा अब 25 अप्रैल को नहीं होगी, और इसको देखते हुए अभी जैसा कि रीट भर्ती के अंदर बीएड बीएसटीसी भी तो विवाद चल रहा है, और इसको देखते हुए अब 100% आपको रीट भर्ती परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है, और इसको देखते हुए अब भर्ती परीक्षा आपके हाईकोर्ट के अंदर जाने की 100% संभावना है। अगर भर्ती हाईकोर्ट के अंदर ये चली जाती है तो फिर तो रीट तो भर्ती प्रक्रिया के अंदर फिर तो देरी हो सकती है, और इसी को देखते हुए तो बड़ी संख्या के अंदर तो विरोध तो प्रदर्शन भी हो रहा है, तो बीएड वालों का भी तो प्रदर्शन हो रहा है कि हमें भी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर शामिल किया जाए। और इसको देखते हुए अब सरकार के पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो रीट के तो पदों के अंदर तो बढ़ोतरी वो कर दे ताकि बीएड व बीएसटीसी वालों को दोनों को अनुपात के अंदर तो बंटवारा तो मिल जाए, या फिर भर्ती प्रक्रिया को अब हाईकोर्ट के हवाले तो कर दिया जाए, जिसके अंदर अब हाईकोर्ट का ही तो फैसला आए। इसी को देखते हुए अभी तो सीएम और शिक्षा मंत्री तो गोविंद सिंह डोटासरा की तो बैठ के वो चल रही है, जिसके अंदर तो रीट तो भर्ती पर और अधिक तो बड़ी घोषणा हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रीट भर्ती की जो भी नई नई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।